ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਬੈਂਸਤੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 150 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਟਵਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ लुधियाना की सब तो हॉट मनी जाने वाली सीट आतम नगर च देर शाम सिमरजीत बैंस और कमलजीत कड़वल के समर्थक आपस में भिड़ गए। सिमरजीत बैंस आतम नगर तो लोक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार ने जबकि कमलजीत कड़वल कांग्रेस के उम्मीदवार ने। तस्वीर च देखा जा सकता है कि सिमरजीत बैंस अपने वर्करों के नाल बेसबाल लैके कांग्रेस वर्करों वल जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वालों कहा जा रहा है गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वीडियो च कांग्रेसी वर्करां दीआं गड्डियां भी बुरी तरह दे नाल भन्नियां होईआं नजर आ रहीआं ने। दूजे पासे कांग्रेसी वर्कर ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मीटिंग चल रही थी, इस दौरान सिमरजीत बैंस अपने पुत्र अते सैकड़े समर्थकों सने आए अते उन्होंने हमला कर दिया गया। इतों तक कि फायरिंग करने के इल्जाम भी कांग्रेस के वलों लगाए गए हैं जिस विच उन्हां दीआं गड्डियां दा भारी नुकसान होया है। कांग्रेसी उम्मीदवार कमलजीत कड़वल ने कहा है कि अपनी हार तो बुखलाहट चा के बैंस अते उसके समर्थकों वलों अजिहियां कार्रवाइयां नूं अंजाम दिता जा रहा है। इतने मीटिंग सी जी बैंसते का मुंडा नाल उन्होंने नाल 100 150 बंदा सीगा मीटिंग चलती पई थी कड़वल साहब आए हुए थे मगरों हमला किया सारिया गड्डियां भांदे नाल गोलियां तक चलाई गई उन्होंने वालों शरेआम पुलिस के सामने और आप 15 मिनट भी नहीं हुए सारा देखो रोड़े कट करो गड्डियां देखो सट्टा मुंडे लगे हस्पताल भेजे जी मुंडे हस्पताल भेजे देखो हल्ला बोलता मैं तो प्रशासन अगे यही मांग करदा इदां दे बंदे नूं फड़ के अंदर देण गुंडागर्दी का नाच देखिया हार देखो किन्नी औखी हुंदी आ असल च इन्हों नशा जरा समैक का सी ना वो समैक का नशा हूँ बंद होया तो जिमें समैक का नशा बंद होने तो बाद मरीज तड़फदा ना ये मरीज तड़फ रहे हैं। देखो अज गड्डिया का की हाल किया असी अपने दफ्तर के आके आल गली मीटिंग आ जिते जाके हूँ वीडियोग्राफी कर सकते हो असी मीटिंग दे जाना सी इन्होंने आके दफ्तर से हमला किया आ सारिया गड्डिया साड़िया भन्न के गए हैं किड्डी फ्रस्ट्रेशन असी फिर खुशी नाल खड़े हाँ कोई सानू डर नहीं कोई भाव नहीं असी अपनी इमानदारी नाल काम करना लोगों ने फैसला लेना कि ऐसे गुंडे चाहिए आ जां जिहड़े लोगों का काम करने वाले चाहिए आ। सो असी प्रशासन को यही बेनती करते हैं कि जिहड़ा ऑन मैरिट जिहड़ी जिस बंदे ने यह आके गंद पाया नुकसान की होया गड्डिया दे विच सारिया गड्डिया भन्न गए तो उस तो बाद MLA खुद खड़ा उहदा मुंडा खुद खड़ा वीडियो बन गया पूरी गोली चला के गए ने कोई कसे नहीं छड़ी मारन लई अज इन्हां लोकां ने पर डरदे नहीं। मैं फिर उन्हूं कहना भी डरदे नहीं तू जो मर्जी कर ला असी लड़ाई लड़ांगे लोकां दे हत्था जित देना हार देना फायरिंग हुई है पुलिस के सामने फायरिंग हुई है पुलिस ने आप एक्सैप्ट किया फायरिंग हुई है पुलिस नूं पुछो तुसीं भी इत्थे फायरिंग हुई है जां नहीं हुई। सो उन्होंने फायरिंग भी की साडे ते साडियां गड्डियां भी तोड़ियां पर असी डरन वाले नहीं है। इस मौके पुलिस ने कहा कि उन्होंने मौके पर पहुंच के हालातों की काबू पाया और इस पूरे मामले की जांच उन्होंने वालों की जा रही है। उन्होंने भी कहा कि मुढ़ली जांच सामने आई कि बैंस और उन्होंने समर्थकों के वालों कांग्रेस की चल रही मीटिंग दौरान हमला किया गया है। हाल ही पता लग्या है आके कि सिमरजीत बैंस ने और मुंडा है जो इन्होंने एलीगेशन लगाया है कि इतने आके उन्होंने इट्टां रोड़े मारे
एकदम हमला कर दिता तो फायर भी किए। सो इस करके वो मुताबिक जो कार्रवाई बनती हैगी असं देख लगे हैं। यही झगड़ा आई डोंट नो कि भी ये इन्होंने जो कह रहे हैं कि भी इन्हों इन की मीटिंग सी अपनी मिस्टर करवल की, तो वो करके ही इन्होंने करवल के उत्ते ही हमला करने की नीयत इतने किया। नहीं जानी नुकसान कोई नहीं होया, सिर्फ आ गड्डिया वगैरह तो लगिया ने, बट वी आर लुकिंग इन टू इट एंड प्रॉपर लीगल एक्शन विल बी टेकन। मुंडली जांच यही है कि सिमरजीत बैंस ने आके इतने दस दी कि कांग्रेसी वर्करा ने कहा कि उन्होंने चोन प्रचार च सिमरजीत बैंस के वालों जान बुझ के विघन पाया जा रहा, उन्होंने वर्करा से हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब शर्म हो रहा है, इससे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। कमलजीत कड़वल ने कहा है कि गुंडागर्दी शर्म आत्मनगर के चल रही है, फिलहाल इस मामले च सिमरजीत बैंस का कोई भी बयान अजे सामने नहीं आया। लुधियाना तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।